हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निक्स ऑडियो। अगेन आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो सर्किट है इसकी मेकिंग की जो वीडियो है ये मैंने अपलोड की है, तो इसकी पीडीएफ अभी अपलोड करनी बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये 50 लेड लगे हुए हैं, और आप चाहे तो RGB जो होती है वो लगा सकते हैं इसकी जगह पे। ये अच्छी एक डेकोरेशन लाइट हो सकती है दिवाली के लिए। और ये दोस्तों 220 वोल्ट से 250 वोल्ट AC पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी ड्राइवर देखिए दोस्तों इतनी सी है, जहाँ पे 560 ओम की 1 वाट की एक रजिस्टर है। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये 400 वोल्ट की है, 1UF 400 वोल्ट की है। और ये 560 ओम की रजिस्टर है 1 वाट में, और 4 डायोड है 4007 के। और ये एक PF है कैपेसिटर जो कि है 474, ये 250 वोल्ट की होनी चाहिए दोस्तों, 250 या 600 वोल्ट जो भी आपको मिल जाए, 250 की होनी चाहिए कम से कम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस बॉल एक मेरे पास फ्यूज बोल सकते हैं ख़राब लेड थी, तो उसके होल्डर का मैंने मतलब बैक साइड का यूज़ किया मैंने, और इसके साथ मैंने ये होल्डर कनेक्ट किया है। तो चलिए इसकी आपको मैं टेस्टिंग दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। और दोस्तों इसको बिल्कुल भी आप टच ना करें, क्योंकि यहाँ पे DC 250 वोल्ट की करंट यहाँ पे आ रही है, तो आप बिल्कुल भी इसे टच ना करें, इस पोर्शन को टच ना करें। यहाँ पे डायरेक्ट AC आ रही है, तो इन दोनों को बिल्कुल भी टच ना करें। तो चलिए दोस्तों इसकी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 220 वोल्ट में इसके वायर इंसर्ट कर रहा हूँ, 220 वोल्ट AC, तो आप देखिए, और इसे बिल्कुल टच ना करें आप। सो दोस्तों हमारी लेड ग्लो हो चुकी है, ये देख सकते हैं, जो कि 220 वोल्ट से डायरेक्ट मैंने इसको पावर दिया है। तो आप इस सर्किट को, इसके लेड सर्किट को बिल्कुल भी टच ना करें, वरना आपको करंट लग सकता है, आप बिल्कुल भी टच ना करें। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं इस स्विच को देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडिकेटर है 220 वोल्ट AC से ऑपरेट हो रहा है। मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। सो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल इस सर्किट को ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।